हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छींकने के बाद सॉरी या एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं और फिर सामने वाला गॉड ब्लेस यू या इट्स ओके क्यों कहता है। कभी गलती से भी छींक ना रोकें। सॉरी और एक्सक्यूज मी ये वर्ड जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जब कोई तत्व हमारी नाक के जरिए बॉडी में जाता है तो अक्सर छींक आती है। छींक आना एक क्रिया है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसके अलावा छींक आने का कारण सर्दी, जुकाम या फिर किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं छींक के बारे में। जब भी नाक में कोई बाहरी कण घुस जाता है जिससे नाक की झिल्ली में खुजली या सूजन आने लगे, तो नाक से ये संदेश हमारे मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क ही उन कणों को बाहर निकालने का आदेश शरीर की मांसपेशियों को देता है और छींक के जरिए ऐसे हानिकारक कणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छींक आने की वजह तो आपको मालूम हो गई। अब अपनी जानकारी के लिए मुख्य हिस्से पर आते हैं। ये चलन बढ़ता जा रहा है कि कोई शख्स छींक मारे फिर सामने से सॉरी कहने लगे। ऐसा क्यों? ये तो सामान्य सी बात है जो सबको आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोगों के बीच रहते हुए आप छींकने में असहज महसूस करते हैं और छींक के बाद सॉरी बोलने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस सॉरी के जवाब में आपके आसपास मौजूद लोग भी इट्स ओके या गॉड ब्लेस यू बोलकर इस छींक के किस्से को ख़त्म करते हैं। इस चलन का कारण है बदलता समाज और हमारे छींकने से आसपास के लोगों को असहज हो सकती है। यही वजह है कि हम छींकने के बाद सॉरी या फिर एक्सक्यूज मी कहते हैं। छींक के बाद सॉरी बोलिए या फिर एक्सक्यूज मी, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन कभी भी अपनी छींक को मत रोकिए। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए कतई ठीक नहीं होगा। ना रोकें छींक। नंबर एक, छींक को रोकने से तेज दबाव के साथ नाक से हवा बाहर आने की बजाय दूसरे अंगों की ओर मुड़ जाती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान कान के पर्दे को हो सकता है। नंबर दो, इसके अलावा छींक रोकने से बॉडी से बाहर निकलने वाले बैक्टीरिया भी बॉडी में ही रह जाते हैं जो सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। नंबर तीन, जब छींक आने में शरीर के कई अंग भाग लेते हैं तो छींक रुकने पर भी तो कई अंग प्रभावित होते होंगे। इसका प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है और गर्दन में मोच भी आ सकती है। नंबर चार, बार बार ऐसा करने से दिल का दौरा और दिमाग को क्षति जैसे भी भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में इतना ही। अगर आप अकेले हैं या फिर लोगों के बीच में, कभी भी अपनी छींक को बस इस वजह से ना रोकिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि दूसरों का तो काम ही सोचना है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।